सात संग जी धन निरंकार जी, शुरू करते हैं आज की साखी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार यानी मूर्ति बनाने वाला रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्ति के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि वह जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वह परेशानी में पड़ गया। फिर उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। और जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियों को देखकर दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, और अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो श्रद्धा का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए अगर मूर्तियों को तोड़ दिया जाए तो कला का अपमान हो जाएगा। फिर अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उन्होंने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बने हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बता पाता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। फिर क्या था, यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। और वह बोल उठा कि त्रुटि, कैसी त्रुटि। फिर यमदूत ने उसे झट से पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में, ये नहीं जानते कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। और फिर मूर्तिकार का अहंकार टूट गया और उसकी जान चली गई। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है सत्संग जी कि इतिहास गवाह है, अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। सत्संग जी धन निरंकार जी।